हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही हेल्दी और सुपर इजी मूंग दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कि इस रेसिपी के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मूंग दाल के लिए हमें चाहिए एक कटोरी मूंग दाल, नमक, हल्दी और एक टमाटर मैंने काट के रख लिए हैं। और यहाँ ट्विस्ट ये है कि हम इसमें एक कप लौकी डालेंगे। आप चाहें तो कोई दूसरे वेजिटेबल भी इस पे यूज कर सकते हैं। एक कप दाल के लिए मैंने यहाँ 2 से 2.5 कप पानी ले लिया है। तो चलिए अब ये रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। तो मैंने अब इस दाल को 3 से 4 पानी अच्छी तरह से धो लिया है। अब मूंग दाल को मैं कुकर में डालूंगी और इस समय पे हमें कोई ऑयल या कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब मूंग दाल के बाद मैंने वही 2.5 कप पानी इसमें ऐड कर दिया। हल्दी ऐड कर दीजिए और नमक इसमें ऐड कर दीजिए। इसी समय पे हम इस पे लौकी भी ऐड कर देंगे और कटे हुए टमाटर भी इसी टाइम हम इसे डालकर अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 सीटी होने तक हम इसे मीडियम आंच में अच्छी तरह से पकाएंगे। दाल में 3 से 4 सीटी हो गई थी और अब ये ठंडा हो गया है, तो अब मैं इसे खोल कर चेक कर लेती हूँ। दाल हमारी बहुत ही अच्छी तरह से पक गई है। अब इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है, तो अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून घी ले लिया है, 2 लहसुन की कलियां मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं और जीरा। तो अब तड़का लगाकर हमारा दाल बहुत ही अच्छी तरह से रेडी है। ध्यान रखें कि आप हमेशा बच्चों के खाने में ऑयल की जगह घी का ही इस्तेमाल करें। ये घी मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें और ज़रूर अपने बच्चों को खिलाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।